दोस्तों सीरियल कुंडली भाग्य के विलेन पृथ्वी मल्होत्रा और संजय गगनानी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पूनम प्रीत भाटिया से शादी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको संजय गगनानी के बारे में 10 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मगर आप संजय के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, संजय गगनानी का जन्म पूना महाराष्ट्र में एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली में हुआ, जिनके फादर ने उन्हें 18 साल की उम्र में एक कार गिफ्ट की, जिसे वह कॉलेज के दौरान ड्राइव किया थे और फ्रेंड सर्कल के बीच बहुत पॉपुलर थे। नंबर 2, संजय गगनानी पढ़ाई में कोई खास इंटेलिजेंट नहीं थे, मगर उन्हें कॉलेज फेस्टिवल के दौरान मॉडलिंग और डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने बीबीए और फिल्म मेकिंग डिप्लोमा के दौरान अपने दोनों कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर का अवार्ड हासिल किया, जो उनके टेलीविजन डेब्यू के लिए हेल्पफुल रहा। नंबर 3, संजय ने अपना टेलीविजन डेब्यू 2010 में कलर टीवी के सीरियल बैरी पिया से किया, जिसके बाद वह सावधान इंडिया और फियर फाइल्स डर की सच्ची तस्वीर जैसे सीरियल से पॉपुलरिटी गेन कर लाइमलाइट में आए। नंबर 4, संजय को सोनी टीवी के सीरियल आहट सीजन 6 और इनकाउंटर इंडियन टीवी सीरीज में इंस्पेक्टर फरीद खान का रोल करने के बाद से ही सभी जानते हैं उनकी पॉपुलरिटी राइज कर गई। नंबर 5, संजय को सीरियल सावधान इंडिया और सीआईडी में एपिसोडिक रोल करते हुए देखा गया। इन दोनों सीरियल के बाद से संजय का करियर राइज पर है, जिन्हें आप सब ने उन्हें नागिन 4 में भी प्रतीक के कैरेक्टर में देखा। नंबर 6, संजय को सीरियल कुंडली भाग्य से हक पॉपुलरिटी मिली, जहां वह पृथ्वी के कैरेक्टर में नजर आए। कुंडली भाग्य एक बहुत ही सक्सेसफुल सीरियल है और संजय की सरदा आर्या, रोहित चतुर्वेदी और ट्विंकल के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया। सीरियल में उनकी एक्टिंग को देखने के बाद लगने लगा संजय एक अव्वल दर्जे के विलेन हैं और बहुत से फैंस आज भी उन्हें पृथ्वी के कैरेक्टर से जानते हैं। नंबर 7, संजय को अर्ली डेज के दौरान बॉलीवुड फिल्म रक्तबीज और हीरोइन में आप सबने उन्हें एक्टिंग करते हुए देखा। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री उन्हें कोई खास जमे नहीं और संजय वापिस छोटे पर्दे पर लौट आए, मगर बॉलीवुड कमर्शियल ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए हेल्पफुल रहा। नंबर 8, संजय को डिफरेंट कैटेगरी में कई अवार्ड मिल चुके हैं, मगर कुंडली भाग्य में बेस्ट एक्टर फॉर नेगेटिव रोल के लिए उन्हें इंडियन टैली और गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उनके प्राइम अवार्ड रहे। नंबर 9, फिटनेस फ्रीक संजय गगनानी को डांस करना बहुत पसंद है, जो अपने डांस को लेकर बहुत पैशनेट रहे, जिन्हें टीनेज से ही बेस्ट डांसर के अवार्ड मिलने लगे। परिणाम स्वरूप संजय एक एक्टर के साथ साथ आज एक ट्रेंड डांसर भी है। नंबर 10, संजय गगनानी ने टेलीविजन एक्ट्रेस पूनम प्रीत को डेट किया। दोनों की 9 साल से ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री काफी शानदार नजर आती है। दोनों की पसंद और नेचर भी सिमिलर है। दोनों ने 2018 में एंगेजमेंट की और अब 28 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हम उनके सुखद जीवन की कामना करते हैं। तो दोस्तों ये थे टेलीविजन इंडस्ट्रीज के विलेन संजय गगनानी। अगर आप संजय के फैन हैं तो वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमें कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आप किस विलेन पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।